दृष्टि से भी सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार संसार का भविष्य अंधकार में है। हाँ, वाणी पढ़ने वाले तो सब जानते ही हैं कि छठे दिन की लीला पूरी होनी है और उसके पश्चात सबको परम धाम चलना है, तो इस संसार का क्या होगा सबको अच्छी तरह से मालूम है। ये रास की वाणी आपको परम धाम के प्रेम की एक झलक दिखाई देगी जो योग माया के ब्रह्मांड में किया गया था। प्रकाश की वाणी आपको अंधकार से परे ले जाकर एक सत्य का प्रकाश करेगी कि इस पांचवें दिन की लीला में सबके हृदय में जो परम धाम की आत्मा विराजमान है उसको जागृत करने के लिए अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में कैसे विराजे। खंडक की वाणी आपको विरह के सागर में डुबाएगी, वही विरह जिसके बारे में कहा गया है कि विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नर सुहागिन आत्म पिव की वतन पार के पार। ये ब्रह्मवाणी कलश के द्वारा आपको बताएगी कि जो अवतारों ने नहीं किया, जिस परम धाम की खबर किसी ने नहीं दी, ब्रजराज से परे कोई बता नहीं सका था, अखंड योग माया से परे पंचवासनाएं भी नहीं जा सकी थी, उस परम धाम की खबर आपको लेनी है तो ब्रह्मवाणी की शरण में आना पड़ेगा। सनंद ये दर्शाएगी, सनंद की वाणी कि पुराण की बातें नहीं मायने, जो संसार आज चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है, आतंकवाद आतंकवाद, उसका समाधान सनंद की वाणी करती है। खुलासा की वाणी कते परंपरा वेद परंपरा को जोड़ती है, इसी तरह से मार्फत सागर क्यामत नामा की वाणी पुराण कते परंपरा के सर्वोच्च रहस्यों को उजागर करती है जिससे सारा संसार एक झंडे के नीचे आ जाएगा। कहना सरल है, एक व्यक्ति धर्म अनुमान में अपने शरीर में बम बांध कर अपने प्राण की बलि देता है, किस नाम पर? वो इसी भावना से तो देता है, किसके द्वारा मैं सीधे जन्नत को प्राप्त कर लूंगा, अल्लाह ताला को प्राप्त कर लूंगा। यदि उसकी विचारधारा को बदल दिया जाए तो जो व्यक्ति दूसरों को मारने में परमात्मा की प्राप्ति मांगता है, यदि वो आत्म साधना का मार्ग अपना ले, अंदर का जिहाद करे, दूसरों को मारने वाला जिहाद नहीं, तो आज संसार का रूप क्या हो सकता है। ये कार्य सनंद खुलासा मार्फत सागर क्यामत नामा की वाणी कर सकती थी, लेकिन हमने उसके चिंतन पर ध्यान नहीं दिया, उसका सही प्रस्तुतिकरण नहीं किया। किरंतन जो संसार के सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को उजागर करने वाला है, खिलवत जिसके द्वारा हमें उस सच्चिदानंद परब्रह्म के आनंदमय लीला की पहचान होनी थी, वो परब्रह्म की लीला का धाम कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, हम किस दुनिया में रहते हैं। सबसे सुंदर शहर में चले जाइए, पेरिस हो चाहे भारत का भी कोई सबसे अच्छा सुंदर शहर है, वहाँ की गटर में क्या है, गंदगी ही गंदगी, हमारे शरीर के नौ द्वारों से क्या निकलती है, गंदगी ही तो गंदगी। दुख कितना है, किसी भी बड़े शहर के शमशान घाट में चले जाइए, बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, चारों तरफ चित्कार ही चित्कार मिलती है। संसार में तो दुख कुछ दुख ही दुख है, सुख का तो नामो निशान नहीं। और ऐसे संसार में हमें परिक्रमा की वाणी दी गई, जिस परम धाम के बारे में आज तक कोई जान नहीं सका था, कोई बोल नहीं सका था, वो परिक्रमा ग्रंथ हमें उपलब्ध कराया गया, और उसके पश्चात सिंधी की वाणी हमें दी गई जिसके द्वारा खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार का उपसंहार हमें प्राप्त होता है। परम धाम की इन अलौकिक किताबों का ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात हमें करना क्या है, ये सिंधी वाणी से मालूम होता है। मैंने संक्षेप में इन किताबों के बारे में कहा और इसकी कीमत क्या है, इसको एक मैं एक दृष्टांत देकर के अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। एक बार कुमारी भट्टाचार्य और नालंदा के सबसे बड़े आचार्य बौद्ध मत के आचार्य थे, संस्थार्थ हो रहा था। संस्थार्थ में शर्त थी जो हारेगा दूसरे का मत स्वीकार कर लेगा। कुमारी का मत था कि परमात्मा अनादि है और वेद उसका दिया हुआ ज्ञान है। बौद्ध मत के आचार्य का तर्क था कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं होती है और परमात्मा का दिया हुआ कोई ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। तर्क से कुमारी जीत गए। अंत में सभी आचार्यों ने मिलकर कहा कि कुमारी तुमने अपने बुद्धि बल से यह सिद्ध कर दिया तर्क के द्वारा कि परमात्मा अनादि है और उसका दिया हुआ ज्ञान ये वेद है, क्या इसकी प्रमाण से व्यवहारिक रूप में तुम साक्षी दे सकते हो? कुमारी भट्ट ने कहा कि हाँ मैं दे सकता हूँ, ये वेदवाणी ईश्वर की दी हुई है, परमात्मा की दी हुई है, इसको लेकर मैं पहाड़ की चोटी से कूद जाऊंगा। यदि ये वेद परमात्मा का दिया हुआ है तो वेद भगवान मेरी रक्षा करे, और ये कहते हुए पहाड़ की चोटी से छलांग लगा लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे,
कोई अंग भंग नहीं हुआ था, कुमारिल भट्ट जीवित बच गया। हमें आत्मंथन करना पड़ेगा कि क्या कुमारिल भट्ट जैसी श्रद्धा हमारे अंदर ब्रह्मवाणी के लिए है। सुंदर सा ब्रह्मवाणी को ले जाएगा, अपने तो बढ़िया सीट पर बैठ जाएगा और अटैची ने वाणी को बंद किया, पैरों के नीचे रख दिया। आज वाणी की कीमत हमको नहीं मालूम, वाणी की कीमत उसको मालूम है जो इस सृष्टि का करता है। मोह सागर में पड़ा हुआ नारायण से पूछिए, वो वाणी की महत्ता बताए। अक्षर की आत्मा ने रास लीला देखी थी और उस रास लीला का आनंद मिला कब, जब ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी मिली। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, बैठे बुज्जी बस बरस सहस चार, 4660 समय बीता दुनिया को भय वचार। विक्रम संवत 1735 तक जब तक खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी नहीं उतरी थी, अक्षर की आत्मा बाट देख रही थी कि कब परम धाम का ज्ञान अवतरित हो और मैं परम धाम के अखंड रहस्यों को मैं जान सकूं जो आज दिन तक मैं नहीं जान सकूं। इसलिए ब्रह्मवाणी की कीमत का आकलन सामान्य प्राणी नहीं कर सकता, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए जागृत करने के लिए आई है। लेकिन यदि ब्रह्म सृष्टियों को मिला है तो उनको उनकी गरिमा इसी में है कि इसको हर प्राणी तक फैलाएं। हमें कर्मकांडों की परिधि से कुछ बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कदम तेजी से बढ़ाने होंगे, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाना होगा, तभी हमारी आत्म जागृति होगी, ये जागने लीला का सोपान पूरा होगा और तभी हम सच्चे अर्थों में सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो याद रखिए, कातने के प्रसंग में स्पष्ट संकेत कर दिया गया है, कई उठी आँख मिचोल दिया, हमारा हाल भी उन्हीं की तरह होगा। हम दूसरों का तकला न तोड़ें इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हम दूसरों से सूत कटवा दें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तकला तोड़े ताव में फोकट फेरा खा, यदि हम अपना समय व्यतीत कर व्यर्थ करते हैं, गुस्से में आकर दूसरों का तकला तोड़ देते हैं। तकला कातना यानी रुई का तकला नहीं, प्रेम का सूत कातना। हम ब्रह्मवाणी से अक्षरातीत की कितनी पहचान कर पाते हैं और उस ज्ञान के प्रकाश को लेकर हम दूसरों को कितना प्रेम में डूबो पाते हैं। हम धामधनी के प्रेम में खुद डूबे, अपनी अंतरात्मा के चक्षुओं से उसको देखें और सबको भी उस राह पर ले चलें कि हर कोई प्राणी यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखे, अपने मूल तन को देखे, युगल स्वरूप को देखे, तब ये कहा जा सकता है इति बैठे घर जागे धाम पूरे मनोरथ हुए सुकाम। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कह सकता हूँ अंतिम में, चौमिन हो सो समझियो ये बीतक कहीं श्री महम्मद, बात न रही बोलन की कहिया चलते जाम इसमें। बोलिए श्री प्राणनाथ। हेलो प्यारे सुंदर साहब जी, अभी हम श्रवण कर रहे थे श्री राजन स्वामी जी, जो वाणी मर्मज्ञ है, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि वाणी का प्रचार विश्व में होना चाहिए। महामत्य स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को कोई संत महात्मा विद्वान नहीं, उनको अक्षरातीत स्वरूप श्री राज्य के रूप में हमें प्रतिष्ठापित करना है विश्व में, यह उद्देश्य उनका है, हम सबका यही होना चाहिए। आइए प्रेम पूरा करें आरती सभी। हाँ एक भजन बोल रहे पंचू भैया।